हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट देखें, हम जानते हैं कि यदि वाई फंक्शन ऑफ एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है डी एक्स का मान, या इसको हम एफ डेक्स एक्स भी बोलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का जो मान होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यह एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स का एक बार फिर से एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ठीक है, इसको हम एफ डबल डेक्स एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर ले। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको प्रश्नावली 5.7, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमको यहां पर 1 दिया हुआ, वाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। करने पर क्या आ जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, और 3x का 3, और 2 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब पुनः एक्स के साथ तो क्या हो, इसको क्या बोलेंगे? डी टू बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको करिए, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये मान आ जाएगा आपका 2। तो आंसर क्या होगा आपका? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार आप सेकंड कर सकते हैं। तो सेकंड के लिए वाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स की पावर 20। सबसे पहले हम डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? 20 एक्स 20 माइनस 1, 20 एक्स पावर 19। अब हम फिर एक्स के हिसाब से आकलन करेंगे। आकलन करने पर क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल 20 इंटू 90, एक्स 90 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 380, एक्स की पावर 18, ये आपका आंसर है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई इक्वल टू दिया हुआ है ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान करके हम मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज करके, मेथड यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाय डी एक्स। तो सबसे पहले हम ई 6x को फिक्स रखते हैं, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 3 साइन 3x प्लस। अब हम ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां आ जाएगा 6 ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो हम इसमें से e की पावर 6x को कॉमन निकाल देंगे, यहां क्या बचेगा? माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। क्लियर? अब हम इसको फिर से अवकलन करेंगे।
इसके लिए हम चाहें तो थोड़ा सा और सिंपल बना लें। तो सबसे पहले आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो गया -3e की पावर 6x sin 3x, और यह जो फालतू वैल्यू है आपकी 6y। क्लियर? तो इसको हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा आपका dy/dx -6y -3e की पावर 6x (sin 3x) ये हो गया। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो आपको इसका अवकलन करना है एक x के सापेक्ष को ना, तो आप करिए इसको। यहाँ पर आएगा dy/dx का डिफरेंशिएशन होगा d2y/dx² - 6y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx = -3ex का डिफरेंशिएशन होगा 6e 6x, और sin 3x को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस e 6x को कांस्टेंट रखिए और साइन का डिफरेंशिएशन होगा 3cos 3x। तो d2y/dx² = आप इसको सिंपल कर लीजिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 6dy/dx - 6 × 3 18e 6x sin 3x, और ये आपका है 6 × 6 3 × 3 9 -9, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी वाई। ठीक है, आप चाहें तो को एक ही तरफ ले आए या इसको और थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिख करके, ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमको दिया हुआ है y = tan-1x, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा आपका dy/dx = 1/1 + x². इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 + x² की पावर -1। अब हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, d2y/dx² = -1 × 1 + x² की पावर -2, और 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x को थोड़ा सिंपल कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा आपका -2x/1 + x² का होल स्क्वायर, ये आपका d2y/dx² इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग लॉग एक्स को तो अवकलन करना है, तो y = दिया हुआ है आपका लॉग लॉग एक्स, तो अवकलन करेंगे अवकलन करने पर क्या आ जाएगा आपका dy/dx, लॉग का डिफरेंशियल होता है 1/x, यहां ऊपर आपका आ जाएगा 1/log x, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अंदर का करेंगे तो 1/x, तो यहां आ जाएगा ((1/x), तो यह आ जाएगा आपका 1/x log x। तो हम न्यूमिटर में लाते हैं x log x, तो
पावर माइनस वन। अब हम एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा आपका, डी टू बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस टू, और एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, एक्स को फिक्स रखा और लॉग एक्स को डिफरेंशियल को फिक्स रखा और एक्स का डिफरेंशियल वन, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा आपका वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं सभी बच्चे अपने जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको करके देखें, और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको सूचित करें तो हम उसको करा देंगे। थैंक यू।